तो गाइस हमारे घर में गेस्ट आ रखा है एक नागपुर से, तो भी पेरेंट्स आ रहे लेने इनके। भाई अबे छोटे हो ना भाई, छोटे। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं दिल्ली, मामा मेरे को मुंबई लेके आया था बहुत पहले, मैं मामा को दिल्ली लेके जा रहा हूँ। मामा देखना बर्फ पड़ रही है, पता है बर्फ पड़ने वाली है। भाई ची भाई एकदम सेम लग रहे भाई। अरे गाइस 2,50,000 रुपए निकल रहे हैं, यही पहनोगे इवेंट भाई? 2,50,000 तो यहाँ पर। तो मामा ने बात करी कि रगत तेरे पे व्हाइट घड़ी अच्छी रहेगी, तो तू व्हाइट पहन। घड़ी से याद आया, अमन के बेड पे मैंने अपनी घड़ी रखी थी, मैंने बेड पे घड़ी रखी थी। बिखरा वो। तो भाई अभी निकल रहे थे, निकलने से पहले यहाँ पे महफिल बैठे क्योंकि वाइपर को व्लॉग करना था, कोड भी तो अप्लाई करवा रहे हैं ना। तो भाई वाइपर भाई व्लॉग कर रहे हैं हमारे पास। गाइस मेरे फेवरेट टीम सोल के प्लेयर थे ये, सोल अमन। तो ये आए हुए, ये इनका इनका शेड्यूल बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। जो इनके ऊपर चेयर पड़ी है धस गई है वो एकदम। भाई थोड़ी शर्म कर ले भाई, सीरियस स्ट्रीमर है, 10 घंटा स्ट्रीम करते हैं, तुम समझ रहे हो। ये मेरे को स्ट्रीम स्नाइप करके मेरे वेलो के मैच में आया था। सिर्फ स्ट्रीम स्नाइप करके, और पता है ऑल में पता है क्या लिख रहा है? हाय आप मेरे को जानते हो। हाँ पता मेन दिक्कत क्या, देख मेन दिक्कत क्या हुई, अब मेरी टीम में जो बंदा है ना वो ओवर एक्साइट हो गया कि मैं उसकी टीम में आया हूँ, तो वो ऑल पे लिख दिया कि मेरी टीम में रह गया है। अब इसको समझ आ गया, अब मेरे को क्या बताइए अपोनेंट में, ये गया मेरे स्ट्रीम पे, इसने देख लिया 9-1 था, 1-9 था, हम हार रहा था, गंदा हार रहा था, 1-9 से। उसके बाद से ये, उसके बाद से रेज मेरे को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ रेज आ जा रहा है, आ जा रहा है। सुन तूने बोला कि मैं तेरी स्ट्रीम पे देख रहा था, तूने ऐसी कुछ बात बोली, स्ट्रीम बंद तो नहीं किया ना। हेलो भाई, चलो बाय अमन, बाय 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 जरफ, ठीक है। सो गाइस अभी परफ्यूम लिया है मैंने और मामा ने, 15 मिनट में बोर्डिंग है, बट भूख लगी है। मामा कुछ खाने गया, बिरयानी बिरयानी खाते हैं, देन चलते हैं, आपको मिलते हैं डायरेक्ट दिल्ली में, मजा आएगा। A few moments later. It's with them 416 has always been a pleasure to watch. ढीट आदमी है, सिर्फ मेरे से इस बात से चिढ़ा हुआ है कि मैं इनसे बिरयानी की बात पे लड़ चुका हूँ। मैंने इनसे बिरयानी मांग लिया आदि, क्योंकि अभी स्काउट आ रहा है तो बिरयानी शेयर करनी पड़ेगी। मैंने बस इतनी बात बोल दी कि मामा आप करना मैं नहीं करूँगा, तो ये कहते तू करते हैं एक्सपेरिमेंट है और दस टीम सोल का हम एयरपोर्ट है। आपको पता होगा ग्रीन रेंजर, ग्रीन रेंजर आर्मी को कुछ बोल रहा है गाइस, देख लो अपन लोग संभाल लें। बाकी देख लो इन्होंने क्या बोला, अभी टीम सोल बकायदा सर्च करा है, पहले तो 50 टीम आई है फिर एक आई है। हमें रिस्पेक्ट होती है टीम की यार, किसी भी बिरयानी आ रही है एंड रात से सोई नहीं, नींद आ रही है। मेरा मन ही नहीं है यहाँ बिरयानी खाने का भाई। स्काउट स्काउट तो आज मैं व्लॉग कर रहा है, पांच व्लॉग है, काउंटर व्लॉग काउंटर व्लॉग। तो गाइस जस्ट रीच होटल, अभी रूम्स अलॉट होंगे, रूम्स में कुछ हो रहा है तो 15-10 मिनट वेट करने का बोला हुआ है, फुल नींद आ रही है, उसके बाद 2 घंटे का नैप है। सुपर टायर्ड, जस्ट अभी रूम मिला है अपने को 1 बजे, ये लोग कुछ सरप्राइज वरप्राइज प्लानिंग कर रहे थे, तो ये सरप्राइज है, हर एक जगह पिक मी अप है। अभी मेरे को ये सब करूंगा, मैं सब पिक मी अप करूंगा। रूम का व्यू बहुत मस्त है, सही बताऊं तो बहुत क्रेजी व्यू है। 1 घंटे में आई थिंक हमें इवेंट में ज्वाइन करना है, छोटी मोटी एक्टिविटीज है वो ज्वाइन करना है। अभी मैं तो बेड पे सीधा पड़ूंगा, मेरे को फुल नींद आ रही है, तो क्या बताऊं मैं, कैसे बताऊं मैं कितना डेड हूं। मैं 2 दिन से नहीं सोया हूं, मैं 2 दिन कह रहा हूं, परसों रात सोया था मैं डायरेक्ट, कुछ भी नहीं सोया हूं, कैब में आधा सोया हूं और फ्लाइट में सोया हुआ था आधा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो अभी हम रूम में आ चुके हैं, अभी सबसे पहली चीज हमें मिलती है ये कुकीज, ये बिस्किट ऑब्वियसली मैं नहीं खाता, एयरटेल की तरफ से ये, मैं मीठा नहीं खाता ज्यादा, तो ये मैं आई थिंक किसी को दे दूंगा क्योंकि मैं नहीं खाता ये, बट थैंक यू। एंड ये है पहला पिक मी अप, भाई आपको पिक करना, सॉरी भाई आपको करना। ये है VIP फ्यूचर पास, कवर्स एंट्री इनटू द फ्यूचर एंड ट्रैवल फ्रॉम द पास्ट। सो अभी जो चीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो फ्यूचर एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि आगे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट घर बैठे बैठे आप लोग कैसे एक्सपीरियंस करने वाले हो, उस टाइप का वो आई थिंक ट्रम्प कार्ड। इसके अंदर कुछ कार्ड है, देखे क्या, ये क्रिकेट के कार्ड है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या रिलेट कर रहे हैं भाई। मेरी पता है क्या, मैं रूम में आया, ठीक है मैं रूम में स्टोरी वगैरह शूट कर रहा था, तो मैंने वो हिंट दिखाया अपनी स्टोरी पे, ये हिंट दिखाया, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने कहा दूसरा वाला जो हिंट है ना थोड़ा फीका पड़ रहा है, आई थिंक 4th हिंट पे चलते हैं। तो जो मेरा 4th हिंट है मैं डर गया देख के पहले, तो कि भाई ये क्या है, मैं सीधा पढ़ा, ये मेरे को डिब्बा ही माचिस का डिब्बा लग रहा था, ये फैंटम स्वीट सीक्रेट, बचपन में ना ऐसी टॉफीज आती थी, ये आती थी एंड ये कुछ गलत नहीं है, ये मतलब स्वीट कैंडीज वगैरह आई थिंक 7-13 किसी की मैथ अच्छी तो सॉल्व कर देते, ठीक है टाइम पास हो जाएगा।
सो गाइस एक क्लू और है पिक मी अप करके, इसमें आपको कुछ कैश है, पुरानी नोट है। आई थिंक आपको बहुत लोगों को समझ आ गया होगा। सो अभी थोड़ा सा नैप लेते हैं, बहुत सुपर टायर्ड, थोड़ा सा नैप लेते हैं, देन उठते हैं, फ्रेश फ्रेश होता है। अभी जाऊंगा पहले ब्रश करने, ब्रश भी नहीं करा है, कुछ मंगवाता हूँ खाने को, मन करा तो। सो गाइस अभी ब्रीफिंग खत्म हुई है। बेसिकली ये है कि लोग 4G यूज करते हैं तो 5G पे जो एक्सपीरियंस होने वाला है आगे उसका एक वो एक्सपीरियंस कराएंगे ये लोग। तो 5G भी सिर्फ ट्रायल बेसिस के लिए आया हुआ है। सो अभी हम जाते हैं, मैं बैग भूल गया था, बैग लेने आया हूं, बैग लेकर चलता हूं क्योंकि नीचे हमारा शायद मेकअप वगैरह भी होगा। चलो चलते हैं, कूल क्या आती है ऐसे बैग लेके ना। बस में बैठा है, मेरे को पॉजिटिव मिल गया स्नैक्स का बैठने की। अरे बप्पी लहरी जी नहीं पहना मैंने सोना अभी, ठीक है ठीक है भाई, उधर है उसका। लेकिन ये घड़ी भाई, लेकिन ये घड़ी किसी के पर जा रहा, मर जाएगा। मैंने फोड़ा है देख लिया एक बार ये। अरे गाइस दिल्ली में सबसे बड़ी घड़ी है ना, मैच कर रही है। अभी चलते हैं वेन्यू पे, जा रहे हैं, देखते हैं वेन्यू कैसा होता है। मामा अभी तक नहीं आया। गाइस हम पहुंच चुके हैं, आपको इतने कैमरे दिखेंगे ना आज, इतने कैमरे दिखेंगे, किसी ने सोची ना होगी। भाई मामा फोन तो है नहीं, फिर मतलब 3 कॉल करे मैंने, हल्की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कॉल बैक कर लिया था भाई, बहुत ही खतरनाक। कॉल बैक नहीं करा गया उसके बाद, जब आप उठ गए मैंने कॉल भी करा आपको। आपने कॉल सर मास्टर कार्ड लेके घुसा मेरे कमरे में उठाने के लिए। एयरटेल के मेन ऑफिस पहुंचे हैं। गाइस एक ब्लॉगर ने दूसरे ब्लॉगर ने कंपटीशन तोड़ने का ट्राई करा धक्का देके। गाइस जो सिनेमैटिक शॉट्स होंगे मामा के ऐसे ले लेंगे ब्लॉग पे से, कोई नहीं चोरी कर ले, चोरी कर ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स गोना बी अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ चिल्स फ्रिल्स एंड थ्रिल्स। कहा जाता है लाइट्स कैमरा एक्शन अंगार। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड किक स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। सर इस रूम में ना कम से कम 5 billion views ऐसे ही आप और हमारे इस वक्त इनकी वजह से हो गए सर। Congratulations to you sir. Thank you sir. अच्छा फोटो लेना सर, मम्मी को बोलना बहुत views आए हैं। Thank you. So over to our special guest. तो हमने एक कोशिश की है कि आपको ये इनिंग एक नए तरीके से दिखाई जाए, वो इनिंग जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं आज तक सिर्फ यहाँ या यहाँ। आप आज देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज मैं आपके साथ एक ऐसे मैच की मेमोरी शेयर कर रहा हूं जो 38 साल पहले कहीं खो गई थी। 1983 के कप के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था। अनफॉर्चुनेटली टीवी वाले स्ट्राइक पे थे, इस मैच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। India's first live wireless hologram on Airtel 5G test network. Hologram और ये तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पता चला, तेरी उन्हीं बताना उसको रणदीप सर। When I was playing, I never thought, अभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन hats off to you, hats off to your team and all the scientists working behind that. I think this is the new future of entertainment. We'll be able to not only see into much today, we can recast the past plays, but we can also watch interactive. I mean, how many times you want to watch the Nataraj shot? I was just swinging and saying, oh, when does the ball hit? Does it hit when he's square or not? So उस टाइम डर नहीं लगता, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बैलेंस भी नहीं हो रहा था, मैं लुढ़क रहा था और मैंने कहा कि ऐसा नहीं सोचो पी रखी है कहीं। गाइज मेक श्योर करें ये ब्रांड फिल्म देखना जो एयरटेल ने रिक्रिएट किया है कपिल सर का 175 नॉट आउट का, मेक श्योर टू चेक आउट गाइज। सो गाइज ये सेशन खत्म हो चुका है, और साउंड कैसा लगा बस मजा आ गया। अभी हम जा रहे हैं फन जोन में, और पायल तुम तो इधर भी लेट आए भाई, कैसा एक्सपीरियंस था जो लेट आया? आपका एक्सपीरियंस बताऊं मैं दोनों में, मैं कर रहा हूं भाई, मैं भी करूंगा मतलब मैं तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस आया तो गूज़बम्स आ गए थे। ये मेरा कैमरा काला क्यों है? ओ मेरा ब्राइटनेस कम। एक गेमर को ना इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो कुछ चाहिए होगा, इतनी तगड़ी स्पीड, वो भी एयरटेल 5G में। आने में इसको थोड़ा थोड़ा टाइम है, लेकिन एक स्पीड दो
मतलब क्या चाहिए वो लगता है रीचेक कर रहा है कि क्या सीन है देखा को यकीन नहीं हो रहा है तुम ये देख लो देखी मस्टैंग निकल जैसी देख लो गाइस आपको एक मैं स्कैम बताता हूँ पहले क्या करा है अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग शूट कर रहा था बैठे हुए थे तो मैंने शूट करा तो एक गंदी दिख रही थी इन्होंने मेरा कैमरा बंद करा दिया हल्का सा पॉज आया हमारे बीच में अपना कैमरा निकाला डायरेक्ट भाई ये क्या तरीका है हाँ भाई दिस इज बिजनेस यही अच्छा तरीका है जी भाई तो गाइस अभी पायल गेमिंग इनका वॉइस पैक भी आया है फेमस आई है आप जानते ही होंगे बहुत पहले भी एक समझ रहे हो कट कर देना प्लीज इसे और पायल अभी क्या और कौन सा टोस्ट भाई डिनर इतना अच्छा था यहाँ का चिकन खाते हो चिकन खाया यहाँ का चिकन इतना प्यारा था ना आज तक मैंने से चिकन नहीं खाया सर मैं यहाँ का चिकन बहुत प्यारा था चलो गाइस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो एक ही बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये तो चलो आपको मिलते हैं नए व्लॉग में एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब।